दोस्तों स्वागत है तुहाडा पोलिटिकल साइंस प्लस वन दे अगले वीडियो दे विच। ते जिवें कि आपां कर रहे सीगे पोलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र दा दूसरे समाजिक शास्त्र नाल संबंध, ते उस लड़ी दे विच अज दा जिहड़ा टॉपिक चुनिया है वह है राजनीति शास्त्र अते अर्थशास्त्र। राजनीति अते अर्थशास्त्र दा बहुत नेड़े दा संबंध है और इस नूं पहलां राजनीतिक आर्थिकता के नाँ के नाल ही जाणिया जांदा सीगा। सिर्फ 18वीं शताब्दी दे विच ही एडम स्मिथ जी ने इस नूं स्वतंत्र विशे दे रूप दे विच जन्म दिता है। पर दोवें विज्ञान स्वतंत्र विशा होने के बावजूद भी एक दूसरे ते बहुत निर्भर है गए, ते बहुत नेड़े दा आपस दे विच संबंध है। इस दे बारे असीं डिटेल दे विच इस वीडियो दे विच करांगे, पर सब तो पहला शुरू करते हैं भूमिका तो। भूमिका सेम ही है जो पहले दस्या गया तुहानू पहले वीडियोज़ से, जो इहदे नाल रिलेटिड है कि मनुख एक समाजिक प्राणी है, समाज में रहिंदे हुए बहुत सारी गतिविधियाँ करता है और मनुख दे सारे गतिविधियाँ है समाज नाल रिलेटिड, समाजिक गतिविधि, धर्म नाल रिलेटिड धार्मिक गतिविधि, अर्थ नाल रिलेटिड अर्थशास्त्री आर्थिकता नाल रिलेटिड आर्थिक गतिविधि, राजनीति नाल रिलेटिड राजनीतिक गतिविधि, सभ्याचार नाल रिलेटिड गतिविधि, नैतिक गतिविधि, ये सारे गतिविधि हैं जिहड़े कि मनुष्य करता है। तो जिवें कि तुहानू पता है कि राजनीति शास्त्र मनुख दे राजनीतिक गतिविधियां नाल संबंध रखता है, तो बाकी गतिविधियां नाल संबंधित बाकी जिहड़े विषय बने हुए हैं। इस प्रकार मनुख दे दूजे गतिविधि दे अध्ययन दे लई जरूरी हैं कि भी असीं उस समाजिक गतिविधियां नूं पढ़ीए। तो इस तरह असीं देखते हैं कि किस तरीके नाल राजनीति शास्त्र दा जिहड़ा संबंध है दूसरे सबजैक्ट नाल विषय नाल है। तो समाजिक गतिविधियां दे अते संबंध दे अध्ययन लिए असीं समाज शास्त्र पढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां दे संबंध लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो नैतिक गतिविधियां दे संबंधां लिए असीं नीति शास्त्र पढ़ते हैं। पर क्योंकि मनुख एक समाजिक प्राणी है और इन्हां दे सारी गतिविधि जिहड़े समान रूप से मनुख ही करता है, समान रूप से नहीं अलग अलग विच दे विच मनुख ही करता है, पर एक गतिविधि नूं दूसरे तो पूरी तरह भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, सगों ये सारी गतिविधियां एक दूसरी गतिविधियां नूं प्रभावित कर दिया हन। ते इन्हां नूं जे सही तरीके नाल समझना है तो आपसी गतिविधि दे राही इस नूं समझिया जा सकता है, क्योंकि आपसी संबंध राही असीं इस नूं समझ सकते हैं, क्योंकि मनुखी संबंध एक दूसरे नाल जुड़े हुए हैं, इस नूं जोड़ के पढ़न ते ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुंदा है। ते असी इस लड़ी दे विच राजनीति शास्त्र दा इतिहास नाल संबंध पढ़ चुके हैं, फिर उस तो बाद समाज शास्त्र नाल नीति शास्त्र नाल संबंध पढ़ चुके हैं, अज असी इहदा संबंध अर्थशास्त्र नाल की है वह पढ़न जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राजनीति शास्त्र अते अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अते राजनीति शास्त्र विच बहुत नेड़े दा संबंध है। 18वीं सदी तक अर्थशास्त्र नूं राजनीति शास्त्र का हिस्सा मन्या जांदा सी अते इस नूं राजनीतिक आर्थिकता कहा जांदा सी। 18वीं सदी विच ही एडम स्मिथ जी ने इस नूं स्वतंत्र विशे दे रूप में जन्म दिता, तो असी इन्हां नूं अर्थशास्त्र का पितामा भी कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का अर्थ है, अर्थशास्त्र का अर्थ सब तो पहले समझते हैं की है। अर्थशास्त्र धन के उत्पादन वटांदरे वंड अते उपभोग का अध्ययन करता, की करता कि पैसे का यानी कि धन का उत्पादन किवें हुंदा, उहदा वटांदरा किवें हुंदा, वंड किवें हुंदी है, ते उपभोग किवें हुंदा, इस सारा अध्ययन असीं करते हैं। स्कॉलर रॉबिन्स है उन्होंने अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुखी व्यवहार का अध्ययन करता, जिसका संबंध लोड़ों की पूर्ति लई बदलवें उपयोग वाले सीमित साधनों नाल है। यानी कि अर्थशास्त्र किसी का विज्ञान है, मनुख है, मनुख के कुछ लोड़ है, रोटी कपड़ा मकान, तो इस मकान इन्हां सारे लोड़ों लई जो पूर्ति करता है वह कुछ साधन है उसके लिए मौजूद है, पर साधन जिहड़े है सीमित है, उन्हां सीमित साधना का प्रयोग एक जगह दूसरे काम लई भी हो सकता है, तो वह सारे का ही अध्ययन असी इस दे विच करते हैं। दोबारा तो देखते हैं कि रॉबिन्स की कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुखी व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका संबंध लोड़ों की पूर्ति लई बदलवें उपयोग वाले सीमित साधना नाल है। मार्शल अनुसार ये भी अर्थशास्त्र बहुत बड़े विज्ञानी है, अर्थशास्त्र एक पासे धन का अध्ययन करता है, दूजे पासे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुख का अध्ययन करता है, क्योंकि जेड़े लोड़ है वह मनुखा ही है और
धन दी उत्पादन वंड वटांदरा ये सारा कौन करता है? मनुख करता है। मनुख ही कई सारे जिहड़े आर्थिक गतिविधियों इनवॉल्व हुंदा है। तो ये बड़ा ढुकवा व्यू है, परिभाषा है मार्शल द्वारा कि अर्थशास्त्र एक पासे धन का अध्ययन करता है, दूजे पासे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुखों का अध्ययन करता है। अगे चलते राजनीति शास्त्र की अर्थशास्त्र नूं देन की है। आर्थिक विकास राजनीति स्थिरता के बगैर संभव नहीं है। जे असीं चाहते कि साडे देश या किसी देश की अगर विकास की गल करते हैं तो भी वो स्थिर है, उत्थे राजनीतिक रूप से अगर देश स्थिर है, अपरिवल नहीं है या उत्थे प्रॉब्लम नहीं है तो वो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। अगर असीं गल करते साडे देश दे विच अगर खास करके जम्मू एंड कश्मीर की गल करते हैं पिछले 20-30 सालों तो आलमोस्ट उत्थे कोई राजनीतिक रूप से या फिर उदा स्थिरता नहीं रही है, उग्रवाद रहा है। तो असं देखते हैं कि जम्मू कश्मीर उस हिसाब नाल विकास नहीं कर सकया जिस हिसाब नाल बाकी देश देश से जिथे कि स्थिरता रहा है, जिथे शांति है, वो विकास करता उन्होंने। इसलिए जो तक राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं होंगी है उसके बगैर जोड़ा है आर्थिक विकास संभव नहीं है। अगे राज ही आर्थिक नीतियां का निर्माण करता है और जिन्नी भी आर्थिक नीतियां बनती हैं, पॉलिसी बनती हैं, वो कौन करता है? अगर टैक्स संबंधी नीति है या फिर आयात निर्यात संबंधी नीति है, उद्योग संबंधी नीति है, खेतीबाड़ी संबंधी नीति है, छोटे उद्योग बड़े उद्योग संबंधी नीति है, ये सारी नीति का निर्माण राज करता है। तो इसलिए अगर बढ़िया नीति बनेंगे, बढ़िया प्लानिंग होगी उसकी, तो उस तरीके नाल आर्थिक विकास भी बढ़िया होएगा। इसलिए तो दूसरा पॉइंट भी उम्मीद है तुहानू क्लीयर होएगा। अगे है राज ही आर्थिक नीतियां लागू करता है। हुण जिन्नी भी नीतियां बनदी हैं राज बनाउंदा है तो उसनू लागू भी राज ही करता है। राज कोल ही सारी जिहड़ी सर्वोच्च शक्ति हुंदी है किसी भी रूल्स रेगुलेशन लगाउण लई। और तुहानू पता है कि भी राज कोल ही जबरी शक्ति है, जिहड़ा व्यक्ति या संगठन इस दी गल नूं नहीं मनता है तो राज उसनूं सजा दे सकता है। सो राज विच रहने वाले हर व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो भी आर्थिक नीतियां वो मनन लई पाबंद है, अगर नहीं मनता है तो उसनूं उस दे लई सजा दा प्रावधान है। राज ही आर्थिक प्रणाली नूं निश्चित करता है। राइट, आर्थिक प्रणाली किस तरह की प्रणाली होएगी? ये साडा लिबरल आर्थिक प्रणाली होएगी या फिर कम्युनिस्ट टिक आर्थिक प्रणाली होएगी या मिक्स्ड इकोनॉमी होगी? अर्थव्यवस्था किस तरह का होना चाहिए? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था, ये सारे का डिसीजन कौन लेंदा है? ये राज लेंदा है। राइट, तो इसलिए किस तरह की प्रणाली है वो कौन निश्चित करेगा? राज ही करेगा। राज ही आर्थिक समस्यावां नूं हल करदा है। तो राज जिहड़ा अपने देश दे विच जो भी समस्यावां हुंदियां आर्थिक संबंधी उसनों दूर करता है। खेतीबाड़ी या इंडस्ट्रियां समस्यावां, मजदूरों की समस्यावां, मजदूरों के झगड़े, तनखाहां बारे प्रॉब्लम, कीमती वादे विच प्रॉब्लम, लोगों की असंतुष्टि, नौकरियां का ना मिलना, ठीक है, हड़तालां, तालाबंदियां, हर एक तरह की समस्यावां जिहड़ी है आर्थिक समस्या नाल रिलेटिड हैगियां, वह राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा ही उन्हां नूं हल किया जा सकता। दूसरा कोई होर हल करन दा तरीका नहीं है। राज ही उपभोग अते वंड संबंधी नियम निर्माण करता है। ये भी फैक्ट है। उपभोग अते वंड संबंधी नियम कौन निर्माण करता है? राज करता है। राज के कानूनों द्वारा ही ये चीज़ा लागू होंदियां ने। ते नियम इस तरह के होंदे ने किसी लोगों नूं ज़्यादा प्रॉब्लम ना होन। और राज की करता है कि भी अलग अलग तरह के वस्तुओं से अलग अलग उपभोग कर भी लगाता है। अगर लग्जरियस है तो उससे ज़्यादा कर लगता है, अगर ज़रूरी वस्तु है तो उससे घट कर लगाती राज। राज जिहड़ी खराब वस्तुआं उसते या बुरी वस्तुआं, नशे वाली वस्तुआं उसते पाबंदी भी लगा सकता है, तो उससे कर भी ज़्यादा लगा सकता है। तो ये राज उपभोग संबंधी या वंड संबंधी सारे तरह के नियम बनाता है। उस तो इलावा राज ही उत्पादन से नियमित करता, जिन्ना भी उत्पादन होना, किस चीज़ का किन्ना उत्पादन होगा, किस चीज़ का किन्ना उत्पादन नहीं होएगा, ये सारे नियम राज बनाता है। राज ही देखता है, उसनों नियमित भी राज ही करता है। जेकर उत्पादन मंग नालों घट होएगा तो थोड़ी दी स्थिति पैदा होएगी, जेकर उत्पादन मंग नालों वध है तो बहुलता दी स्थिति पैदा होएगी।
तो इस करके इस तरीके जिहड़ियां वस्तां दी कीमतां च घाटा वाधा हुंदा रहिंदा ते राज इह सारी चीज़ां नूं नियमित करता है। अगे चलदे आं कि अर्थशास्त्र दी राजनीति शास्त्र नूं देन की है। सब तो पहला पॉइंट है मनुख की आर्थिक स्थिति अते राजनीतिक स्थिति विच बहुत गूढ़ा संबंध है। तो ये गल बड़ी सही है कि भी कहिंदे कि भी जिहदे पल्ले दाणे उहदे कमले भी सियाणे, यानी कि जिसके कोल पैसा है तो उहदा जिहड़ा पागल भी है जिहड़ा बेवकूफ भी है वह भी सियाणा मन्निया जांदा है। और एक होर कहावत है पंजाबी च कि पेट न पईआं रोटियां तो सब्बे गल्लां खोटियां, ये बहुत मशहूर अखाण है पंजाबी च। तो जिस कोल भुख हुंदा है भुख सताउंदी है वह चंगा नागरिक भी नहीं हो सकता है और ना ही वह राजनीतिक रूप से भी सक्षम या कैपेबल हो सकता है। और गरीब व्यक्ति जिहड़ा है वह राजनीति गतिविधियों के प्रति ज़्यादा रुचि भी नहीं रखता है, वह कहिंदा चल भी दिहाड़ी कर लीए रोटी खा लीए। तो यह सारी चीज़ा बड़ी मैटर कर दी कि मनुख की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में बहुत ही गूढ़ा संबंध होंदा। उस तो बाद है आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता भी जन्म देती है। अगर आर्थिक रूप से असमान है मनुख तो राजनीतिक रूप से भी असमान होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से असमान व्यक्ति जिहड़ा है वह बेसिकली अपनी रोटी रोजी लिए अपने बच्चों के रोटी रोजी लिए ज़्यादा फिक्रमंद होएगा, इस दे नाल नाल कि भी वह समाज या राज दे लई ज़्यादा फिक्रमंद होए। तो इसलिए है कि भी आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता भी जन्म देती, जिहड़े आर्थिक पक्ष तो मजबूत होंदे ने लोग वह राजनीतिक गतिविधियों भी हिस्सा लेंदे ने ते लीडर भी बनते हैं। इसलिए असी देखिया कि भी हिस्टरी च कि भी बहुत घट लोग इदां दे होए जिहड़े कि आर्थिक रूप से गरीब सीगे ते फिर भी अच्छे लीडर बन पाए। आर्थिक असमानता राजनीतिक क्रांति भी जन्म देती है। जे आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग क्रांति करते राजनीतिक रूप से संगठित होकर क्रांति करते, जिमें कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी क्रांतियां जड़िया हुई हैं वह बेसिकली पार्टिसिपेशन ही लैके हुई, राजनीतिक भागीदारी ही लैके हुई है। और आर्थिक रूप से जोड़े शोषित सके उन्होंने क्रांति भी की। अगर चाइना और रूस की क्रांति की गल कर दी करिए तो राजनीतिक रूप से जो क्रांति हुई है वह आर्थिक फैक्टर ही लैके मुख्य रूप के हुई। उस तो बाद अगला पॉइंट है आर्थिक स्थिति कारण राजनीतिक विचारधारावान पैदा होंगे ने, ये कोई शक नहीं है आर्थिक स्थिति कारण ही राजनीतिक विचारधारावान पैदा होंगे। बहुत सारे विचारधारा दुनिया प्रचलित हैं इस वेल, उदारवाद मार्क्सवाद सामवाद उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद गांधीवाद अंबेडकरवाद, ये सारे विचारधारा कि आर्थिक ते सोशल पृष्ठ जी पृष्ठभूमि लैके पैदा हुई ने। तो अपन पता है कि भी जी क्रांतियाँ आई हैं खास करके कम्यूनिस्ट क्रांति आई है ये आर्थिक विचारधारावान की उपज करके ही हुई। तो राजनीतिक विचारधारावान जीडिया वो आर्थिक रूप के आर्थिक जी राजनीतिक विचारधारावान इस तरह पैदा होंगे आर्थिक प्रॉब्लम्स को ध्यान रखे। उस तो बाद आर्थिक खुशहाली लोकतंत्र के सफलता की निशानी, आर्थिक खुशहाली जो आर्थिक रूप से लोग खुश है तो लोकतंत्र जिहड़ा है सफल रूप से काम करेगा। लोकतंत्र जिहड़ी लोगों की सरकार है उहदे च लोगों की खुशहाली नूं ही मुख रख के गल की जाती है। और लोकतंत्र सफलता लई देश दे विच आर्थिक खुशहाली उन्ना ही इंपोर्टेंट है जिन्ना कि किसी फैमिली की खुशहाली के लिए पैसे की इंपोर्टेंस होंदी है। आर्थिक पक्षों खुशहाल लोग ही देश के सारे राजनीतिक गतिविधियों वध चढ़ के हिस्सा लै सकते, ताही ते लोकतंत्र जिहड़ा है कामयाब होएगा। लोकतंत्र का मतलब है लोगों की सरकार और लोगों की सरकार के लोगों की पार्टीसपेशन होएगी और लोगों की पार्टीसपेशन ता ही होएगी ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की जे वो आर्थिक रूप से खुशहाल है। गरीब व्यक्ति तो रोटी कपड़े मकान के जदोजहद से ही सारी जिंदगी लगे रहता है। तो यह भी ठीक है कि आर्थिक खुशहाली लोकतंत्र की सफलता लई दी निशानी है। उस तो बाद आर्थिक सरगर्मियों के कारण ही राज की उत्पत्ति हुई, आर्थिक सर हाँ ये कोई शक नहीं है कि भी आर्थिक सरगर्मियों ने ही राज नूं जन्म दिता है। पहले लोग कबीले च या उस तो पहले लोग गुफावां च रहिंदे सीगे अपनी फैमिली च रहिंदे सीगे, फिर आर्थिक सरगर्मियां वधन लग पईआं लोग एक किस्म का काम धंधा करन लग पे और उस तरीके नाल संगठित होना शुरू होया, फिर कबीले तो राज राज तो वड्डा जिहदा राष्ट्र बनिया और आर्थिक लेन देन दे नियम कारण ही ये सारे चीज़ां दा उत्पन्न होया। अगर असीं कह सकते हैं कि भी आर्थिक लेन देन नूं नियमित करन लई ही उन्होंने नियम बनाए जिन्हों लागू करन लई उन्होंने फिर राज अते सरकार नूं जन्म दिता लोगों ने मिलकर, ये कई विद्वानों का मत है।
अगे राजनीति शास्त्र ते अर्थशास्त्र विचकार अंतर की है, दोनों के विचकार अंतर, दोनों के विषय वस्तु विच अंतर है, दोनों के विषय वस्तु विच की अंतर है कि राजनीति शास्त्र राज दे अते सरकार और उहदे नाल रिलेटिड गतिविधियां अते उत्ते प्रभाव पाउण वाले संस्थावां दा अध्ययन करता है, जबकि इकोनॉमिक्स जिहड़ा है जिहड़ा अपना अर्थशास्त्र है ये मूल रूप दे विच धन दे संबंधी है, ये उहदे वंड वगैरह नूं अध्ययन करता है, मुख्य रूप विच उत्पादन उपभोग ते वंड आदि दा अध्ययन करता है। उस तो बाद दोनों दे अध्ययन विधियां विच अंतर है, अर्थशास्त्र अते राजशास्त्र दे जिहड़ियां अध्ययन विधियां उहनां विच वी अंतर है। अर्थशास्त्र वधेरे करके आंकड़े अते तथ्यां नाल संबंधित है, जबकि राजनीति शास्त्र जिहड़ा है व्यवहार अते सरकार दी किस्मां नाल संबंधित है। अर्थशास्त्र विच भविखबाणी करना आसान है क्योंकि अर्थशास्त्र बेसिकली कुछ आपां आंकड़े नाल डील करदे हां और उदां दी स्टडी करके असीं भविखबाणी कर सकते हैं, पर राजनीति शास्त्र क्योंकि व्यवहार नाल ज़्यादातर संबंध है तो इस दे विच भविखबाणी करना आसान नहीं है, ये क्योंकि मनुखां दा जिहड़ा व्यवहार है वह अनप्रडिक्टेबल है। सिट्टा सिट्टे वजह असीं कह सकते हैं दोनों संबंधी संबंध जिहड़ा व्यक्ति दे व्यवहार नाल है, दोहां ही व्यक्ति दे वधिया जीवन लई यतनशील हन, लाइफ जिंदगी जिहड़े मनुख दे उसनूं वधिया बनाउणा चाहुंदे, दोहां ही सबजैक्ट ही अते दोहां ही भूत वर्तमान अते भविख नाल संबंध रखदे हन। सारे चीज़ां दा इक कंपैरेटिव स्टडी करके अगे फ्यूचर दे विच वधिया करन दी कोशिश करदे, दोहां ही अध्ययन विधि विश्लेषणात्मक है, डाटा नूं विश्लेषण करके उसका अध्ययन किया जाता है जिस तों कि एक सही सिट्टा कढ़िया जा सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं इन कि अर्थशास्त्र अते राजनीति शास्त्र दे जोड़ नूं ठीक है छोटे छोटे जिहड़ियां है गल्लां नूं समझण ते ही आदमी दे जिहड़े पूर्ण व्यवहार नूं समझिया समझना आसान हुंदा है, ते इहदे नाल साडे समाजिक फैक्टर्स और मनोविज्ञानिक फैक्टर्स वगैरह ते भी बड़ा प्रभाव पैंदा है। ते एंड विच असीं कह सकते हैं कि भी दोनों दा दोनों सब्जेक्ट भावें स्वतंत्र हैं पर एक दूसरे नाल बड़े सहयोग रखते हैं, तो इसलिए अर्थशास्त्र नूं स्टार्टिंग दे विच पोलीटिकल इकोनॉमी ही कहा जाता सीगा, राइट, ये पोलीटिकल साइंस का ही हिस्सा सीगा। उम्मीद है कि तुहानूं लैक्चर वधिया लग्गिया होएगा, अगर लैक्चर वधिया लग्गिया है तो इसनूं दूसरे नाल शेयर करो, तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। एक होर गल है कि ये सारे पॉइंट जिन्हें मैं कराए 6 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न भी बड़े इंपोर्टेंट है, इस दे विच्चों तुसीं 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न कढ सकते हो ईजीली, तो लिख के जरूर देखो, लिख के देखने नाल चीज़ा साडे माइंड से ज़्यादा देर तक रहिंदियां ते इनू रिप्रोड्यूस करना भी आसान होंदा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।